शासन प्रशासन के लोगों को बताना चाहते हैं कि यहाँ पर भी इंसान रहते हैं, यहाँ से जो गुजरने वाले इंसान हैं वो इस देश के टैक्स पेयर हैं। तो आपको इस चीज़ का बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ की नाली और रोडों का निर्माण जल्द से जल्द कराना चाहिए। जब तक रोड का निर्माण पूर्णता नहीं होगा तब तक धरना जारी रहेगा। कि हमारे ही टैक्स के पैसे से करोड़ों रुपए सरकार यहाँ पे पास करती, फिर वो पैसा जाता कहाँ है? यहाँ की नालियाँ बदतर हैं, यहाँ की रोडें बस से ज़्यादा बदतर हैं। योगी सरकार बार बार स्टेटमेंट देती है कि हम उत्तर प्रदेश को गड्ढा मुक्त सड़कें बनाएंगे, लेकिन आप कैमरा घुमा के यहाँ देख सकते हैं कि इस ये शहर की ये हालात हैं, फिर देहात के क्या हालात होंगे। सरकार क्या चाहती है कि कोई यहाँ पे उस हादसे का शिकार हो जाए और जान गंवा दे तब जागेगी? उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पिछले वर्ष ही उत्तर प्रदेश की सभी सड़कों पर जो गड्ढा थे उन्हें गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए थे। आपको बता दें कि इस बार भी वैसे ही निर्देश दिए गए हैं और उसी के क्रम में आज सीतापुर के चुंगी चौराहे से होते हुए मन्नी चौराहे जाने वाले मार्ग पर भीम आर्मी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं। हम आपको बता दें कि ये भीम आर्मी भारत मिशन एकता के तहत अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं और ये जो रोड जाती है, बताया जाता है कि ये चुंगी चौराहे से होते हुए मन्नी चौराहा को रोड जाती है। फिलहाल हम इन्हीं से जानेंगे कि आप लोग ये अनिश्चितकालीन धरने पे क्यों बैठे हैं। बैठना पड़ा क्योंकि ये रोड 2012 के समथिंग बनी हुई थी, आज इसको 12 साल के ऊपर हो गया है और रोड की स्थिति इतनी ज़्यादा हालत में है कि कई बार हमारे स्कूल के घर के बच्चे गए तो वो मोटरसाइकिल से गिर गए। अगर हम लोग निकलते हैं यहाँ पर काफ़ी हादसे हो चुके हैं। और ये सरकार में जबकि मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है कि जो रोडें ख़राब हैं उन रोडों का निर्माण हो, तो लेकिन अगर यहाँ के अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। और हमने 10 दिन पहले जब डीएम साहब को लिखित में दिया कि आपके जो है आप अभी नए आए हुए हैं, तबादला हो गया, तब भी हमने कहा कि 10 दिन का आपको हम समय दे रहे हैं कि भाई मोहल्ले के सारे लोगों ने साइन किया है कि इस रोड का निर्माण हो जाए, तो आपने नहीं सुना। तभी के लिए भीम आर्मी की तरफ से जो है भीम आर्मी के लोग और मोहल्ले के लोग सब लोग जो है आकर इस धरने के माध्यम से शासन प्रशासन के लोगों को बताना चाहते हैं कि यहाँ पर भी इंसान रहते हैं, यहाँ से जो गुजरने वाले इंसान हैं वो इस देश के टैक्स पेयर हैं। तो आपको इस चीज़ का बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ की नाली और रोडों का निर्माण जल्द से जल्द कराना चाहिए। तो आप लोग ये क्या आपका घर है, यहीं बैठे हैं क्या? घर नहीं है, ये रोड है। हम लोग किसी के घर के आगे नहीं, मतलब रोड पे बैठे हुए हैं और जो है मैं यहीं का निवासी हूँ, आगे मेरा घर है पड़ता है, लेकिन यहाँ के इस जगह पर बहुत बड़ा गड्ढा है जिससे कि जो है आए दिन ऑटो भी पलटते रहते हैं, जिसका जो है कहीं ना कहीं जो यहाँ से निकलने वाले मोहल्ले के वासी हैं मतलब सीतापुर ज़िले के अधिक से अधिक लोग यहाँ से गुजरते हैं और अधिकारी भी गुजरते हैं, लेकिन कोई इस मामले के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है कि रोड का निर्माण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। कब तक बैठे रहेंगे धरने पर? जब तक रोड का निर्माण पूर्णता नहीं होगा तब तक धरना जारी रहेगा। धरना जारी रहेगा। आप लोग क्या क्या मांगे हैं? आप लोग सब लोग बैठे हैं। देखिए, मांग यही है कि आप देख सकते हैं ये शहर का हाल है। योगी सरकार बार बार स्टेटमेंट देती है कि हम उत्तर प्रदेश को गड्ढा मुक्त सड़कें बनाएंगे, लेकिन आप कैमरा घुमा के यहाँ देख सकते हैं कि इस ये शहर की ये हालात हैं, फिर देहात के क्या हालात होंगे। यहाँ तो अधिकारी भी निकलता है, सरकारी कर्मचारी भी निकलता है, बिजनेसमैन भी निकलता है और पढ़े लिखे लोग रहते हैं। आप यहां से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सीतापुर में क्या, पूरे ज़िले में क्या विकास हुआ होगा। ये एक उदाहरण है कि सीतापुर के नगर के अंदर जब ये स्थिति है, जबकि हमारे ही टैक्स के पैसे से करोड़ों रुपए सरकार यहां पे पास करती, फिर वो पैसा जाता कहां है? यहां की नालियां बदतर हैं, यहां की रोडें बस से ज़्यादा बदतर हैं और यहां पे जैसा कि अभी राठौर जी ने भी बताया कि लोग जब निकलते हैं, बच्चे बच्चे निकलते हैं तो कई बार यहाँ हादसा हो गया। सरकार क्या चाहती है कि कोई यहाँ पे उस हादसे का शिकार हो जाए और जान गंवा दे तब जागेगी? अच्छा, ये बताएं, हाँ, आप जिलाध्यक्ष हैं और ये जैसे कि गड्ढा बताया कि काफ़ी गड्ढे यहाँ पर भरे नहीं गए, अधिकारी के अलावा किसी जनप्रतिनिधि से कहा, एप्लीकेशन दी कुछ नहीं? देखिए, प्रतिनिधि जो है उसको अपना सर्वे खुद करना चाहिए। प्रतिनिधि जनता उसको इसीलिए चुनती है कि वो हमारे क्षेत्र के हालात को देखे।
वो अपनी बात को, इस क्षेत्र की बात को प्रशासन और शासन तक पहुंचाए, लेकिन प्रतिनिधि ही जब निकम्मे हैं, उनको जब नहीं दिख रहा है। सीतापुर की सिर्फ यही सड़क नहीं, बहुत सी ऐसी सड़कें हैं जो आज जिनकी हालत बहुत ख़राब है। प्रतिनिधि का काम यही होता है कि जनता की समस्या उठाकर ऊपर तक ले जाए और ऊपर से काम को रिलीज करा के लाए और जनता को। प्रतिनिधि से कह देते, एक बार किसी को बताया? नहीं, मैंने डीएम साहब से खुद मुलाकात की। ठीक है, लिखित में हमने यहाँ की शिकायत दी। इस पूरे ज़िले का जो सबसे बड़ा अधिकारी है, हमने उससे, और मैं किसी के पास, प्रतिनिधि पास क्यों जाऊँ? ठीक है, जब यहाँ का डीएम बैठा हुआ है, मैंने उसको अवगत कराया, डीएम साहब को अवगत कराया, और 10 दिन हो गए हैं, कान में जूं तक नहीं रेंका। उन्होंने मार्क कर दिया, अधिकारियों को भेज दिया, सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि बहुत सारे आंदोलन पूरे ज़िले में होंगे, हर जगह आंदोलन होंगे, जो हमारा एक एक पैसा टैक्स का, जो हम टैक्स देते हैं, हाउस टैक्स, जैसे पानी टैक्स देते हैं, हर एक चीज़ पे टैक्स देते हैं, उसका रिटर्न पैसा जो यहाँ के विकास में लगना चाहिए, वो सारा पैसा चंद लोगों के जेब में जा रहा है। और हम चैन से ना बैठेंगे, ना ऐसे लोगों को बैठने देंगे जो बराबर हम लोगों के जेबों पर डाका डाल रहे हैं। कब तक बैठेंगे? बिल्कुल, जब तक समस्याओं का समाधान नहीं होगा तब तक ये धरना जारी रहेगा। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष, और आपको बता दें कि ये सभी लोग आज यहाँ पर सड़क पर बैठे हुए हैं। इनका कहना है कि अनिश्चितकालीन धरना है, जिसकी शुरुआत आज 16 अक्टूबर से हो गई है। इन्होंने जिलाधिकारी को देखिए पत्र दिया था, और ये पत्र भी इन्होंने अपने फ्लैक्स में लगाया है कि 4 अक्टूबर, अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे थोड़ा पास आ जाएं और दिखा देंगे कि ये 4 अक्टूबर को इन्होंने पत्र दिया था कि श्रीमान जिलाधिकारी महोदय, प्रार्थना पत्र वास्ते सड़क निर्माण हेतु। इसमें निवेदन किया था कि सबने निवेदन है कि प्राथीगढ़ मोहल्लावासी एवं जन समस्याओं को देखते हुए चुंगी चौकी से ताड़कनाथ मंदिर रोड, मन्नी चौराहा तक रोड में जगह जगह गड्ढे हैं, जिसका सामना वहाँ से गुजरने वाले समस्त नागरिकों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से आए दिन हादसे भी होते रहते हैं एवं बच्चों को सुबह स्कूल तो आने जाने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं, जिसका मुख्य कारण सड़क जर्जर है। और श्रीमान से निवेदन है कि उपरोक्त प्रकरण की जांच करके बज्जर सड़क की मरम्मत कराए जाने का कार्य किए जाने की आदेश पारित करने की कृपा करें, अन्यथा की स्थिति में भीम आर्मी 10 दिन के अंदर सुनवाई न होने पर आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। तो ऐसी चेतावनी भीम आर्मी ने पहले ही दे दी थी, 4 अक्टूबर को जिलाधिकारी को पत्र दिया था, और पत्र देने के बाद इस सड़क की मरम्मत की कार्य की बात कही थी। ये सड़क का गड्ढा मुख्य इस रोड पर इस तरह के बताते हैं कि काफ़ी गड्ढे हैं, और ये गड्ढे होने के बाद अब सभी लोग इसी रोड से निकलते हैं। हम एक बार और जो यहाँ के लोग हैं इनसे भी जानेंगे, जिसे बच्चे लेके जा रहे हैं, ये बताएं आप क्या इसी रोड से निकलते हैं? हाँ जी, निकलते हैं। तो ये रोड ऐसे ही है कब से? अरे बहुत सालों से ऐसे ही है, बनती ही नहीं है। और जो बच्चे भी लेके आते स्कूलों के? अरे भी दिक्कत तो क्या गया, प्रशासन की मतलब कमी है ये, और क्या कमी मानेंगे जी, बहुत ये तो गड्ढे कम है, आगे और ज़्यादा गड्ढे हैं, काफ़ी गड्ढे हैं जी। आप देखिए कैमरा घुमा रहे, सब गड्ढे तो हैं, आप जहाँ खड़े वहीं देख लीजिए। तो क्या लगता है बनेगी सड़क उड़क? हमको तो उम्मीद कम लगती है वैसे। कब से अच्छा देख रहे हैं आप? ये तो सालों से ऐसे भाई साहब, ये लिए साल हो गए होंगे, कम से कम 1 साल से ऊपर हो गया होगा। ऐसे बच्चे बैठा ले, और भी बच्चे ले जाते होंगे? हाँ, सुबह तो 8 बच्चे होते हैं। लगता होगा पलट सकता है, डर रहे दो, बहुत आराम से ले जाना पड़ता है मजबूरी में। आप यहीं रहते हैं जी? मनी चौराहे पे। देखिए राहगीर भी हैं जो काफ़ी परेशान, कह रहे हैं कि ये गड्ढे जो हैं ये सालों से गड्ढे यहाँ पर बने हुए हैं, ये पूरी सड़क पर आप देख रहे होंगे कि इस रोड पर गड्ढे हैं, और इसी के चलते यहाँ पे आंदोलन लोग कर रहे हैं। आप भी ऐसे ही निकलते हैं रोड से? इसी रोड से। जो गड्ढे हैं काफ़ी, बहुत गड्ढे हैं इस रोड पे, बहुत गड्ढे हैं। कब से? बहुत दिन से, जब से हम जा रहे हैं अब से इधर गड्ढे गड्ढे, रोडे बने ही नहीं। कभी ऑटो चलाते दिक्कत होती होगी? सवारी लगती है, बहुत दिक्कत होती है। पलटे गड्ढे रहता क्या? हाँ बिल्कुल। आप भी क्या हैं, यही मोहल्ले में रहते हैं? नहीं, हम ये इस रोड से निकलते होंगे। हम उधर से निकले थे, इधरों से। इधर से निकलते हैं, क्या लगता है? अच्छी रोड, अच्छी ना है उनका, अच्छी ना है। देखिए राहगीर भी यही कह रहे हैं कि रोड अच्छी नहीं है, और जैसा कि भीम आर्मी के जो पदाधिकारी थे उन्होंने 4 अक्टूबर को जिलाधिकारी को पत्र लिख करके इसकी बात की बताया था कि इस रोड का मरम्मत की कार्य कराया जाए, लेकिन जब मरम्मत नहीं हुई तो आज ये अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं, और इनकी ये मांगे हैं कि जब तक इस रोड का निर्माण नहीं किया जाएगा तब तक ये अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे रहेंगे। फिलहाल सीतापुर से कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ निशांत गुप्ता, आई इंडिया। आई इंडिया की परफॉर्मेंस का रिपोर्ट कार्ड, एनालिसिस रिपोर्ट में गढ़ा गया नया कीर्तिमान। 15 सितंबर से 12 अक्टूबर तक का हाल, 28 दिनों में 30 लाख व्यूज हुए पार, 1.25 लाख घंटे वॉचिंग का ग्राफ, 7500 बने
नए सब्सक्राइबर्स, 1,00,000 से ज्यादा दर्शक रोज देख रहे आई इंडिया, 5,000 घंटे पहुंची डेली वॉचिंग, शुक्रिया हम पर भरोसा जताने का, संकल्प बेहतर से और बेहतर बनाने का। देखते रहिए आई इंडिया, खबर आपकी, नजर हमारी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।